Hello students, let us understand the following question. In this question, the question says, in an AP, the nth term is 1 upon m and the mth term is 1 upon n. Then we need to find the first one is m into nth term. Second one is sum of first m into nth terms. Okay, ye hame do part isme solve karne. So let's start. First of all, write on the given information. वी हैव हमारे पास गिवन है एनथ टर्म हमें गिवन है एपी का एनथ टर्म इज वन अपॉन एन एंड जो एमथ टर्म है इज वन अपॉन एन. ओके नाउ लेट्स मूव ऑन सॉल्यूशन पार्ट. इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. तो देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं. लेट फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं एपी का इक्वल टू स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस लेट से इक्वल टू स्मॉल डी. ओके सो जैसा कि हमें गिवन है हमें एनथ टर्म ए एन इज इक्वल टू ये कितना है वन अपॉन एन एनथ टर्म ये सॉरी वन अपॉन एम है और एमथ टर्म ए एम लेट से ये कितना है वन अपॉन एन. और देखिए हम जानते हैं कि एपी का जो एनथ टर्म का फॉर्मूला होता है ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी जहां पे डी कॉमन डिफरेंस एन नंबर ऑफ टर्म्स ए फर्स्ट टर्म और ए एन एनथ टर्म. सो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एनथ की बात करूं सो ये मेरा क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी विल बी इक्वल टू क्या होगा एन टर्म मेरा कितना है वन अपॉन एम. सो इसको लेट से इक्वेशन वन. और अगर मैं एम एस टर्म की बात करूं सो इट विल बी ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी विल बी इक्वल टू ये कितना गिवन है एम एस टर्म सॉरी वन अपॉन एन. इसको लेट से इक्वेशन टू. ओके अब हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू फ्रॉम टू से सब्ट्रैक्ट कीजिए इक्वेशन वन को सो वी विल गेट हमें क्या मिलता है ये हमें मिल जाएगा इट विल बी इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी माइनस ए और प्लस एन माइनस वन इंटू डी विल बी इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम. ओके ये हमें मिल रहा है. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो इट विल बी ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए तो ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू यहाँ पे एल से ले लेते हैं हो जाएगा एम एन और यहाँ मिलेगा हमें एम माइनस एन. और देखें आप तो ए और ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा. अब यहाँ से डी कॉमन ले सकते हैं हम सो डी हमारा कॉमन आ गया सो अंदर क्या रहेगा एम माइनस वन और ये माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस एन और प्लस वन इक्वल टू एम माइनस एन अपॉन एम एन. ओके सो ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल आउट सो यहाँ पे मैं क्या मिलता है डी इंटू एम माइनस एन विल बी इक्वल टू एम माइनस एन अपॉन एम इंटू एन. सो एम माइनस एन ये और ये एम माइनस एन कैंसिल आउट हो जाएगा सो डी हमारा जो रहेगा कॉमन डिफरेंस वो वन अपॉन एम इंटू एन. ओके ये हमारा आ जाता है कॉमन डिफरेंस. सो अब हम क्या करते हैं ये जो डी हमारा आ रहा है इसकी वैल्यू हम लगा देते हैं इक्वेशन टू में डी की वैल्यू लगा दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ डी इक्वेशन टू. इक्वेशन टू हमारी क्या ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपॉन एन के. सो यहां से डी की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं सो ए प्लस एम माइनस वन ये हो जाएगा वन अपॉन एम एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन. ओके सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं
तो देखिए यहां से हम क्या ले सकते हैं, ए इक्वल टू 1 अपॉन n, ये वाले टर्म को मैं राइट साइड ले जाता हूं, तो माइनस एम माइनस 1 अपॉन mn। और अगर आप ध्यान दें तो मैं क्या करता हूँ, सेपरेटली सेपरेटली इनको लिख लेता हूँ, दैट इज ए इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस एम अपॉन एम एन और प्लस 1 अपॉन mn। ओके, सो ये एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन mn। तो ये 1 अपॉन n और ये 1 अपॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस है, सो ए विल बी जो हमारा फर्स्ट टर्म रहा वो 1 अपॉन m into n। ठीक है, ये हमारा आ जाता है फर्स्ट टर्म। सो अब हमसे पूछ रहा है, हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, सो हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हमारा रिक्वायर्ड है। हमसे पूछ रहा है क्या, m into nth टर्म, ठीक है, सो निकाल लीजिए a m into nth टर्म जो होगा विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस m into n माइनस 1 into d। सो a की वैल्यू हमारी कितनी, 1 अपॉन mn प्लस m इंटू एन माइनस 1, d की वैल्यू हमारी क्या, ये भी 1 अपॉन mn है। ओके, सो यहां से मुझे क्या कॉमन मिल जाता है, 1 अपॉन mn मैं कॉमन ले सकता हूँ, अंदर मुझे मिलेगा 1 प्लस mn माइनस 1, सो ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल आउट, सो जो मेरी वैल्यू रहेगी 1 अपॉन mn, और यहाँ भी क्या बचेगा, m इंटू एन और ये m इंटू एन और ये m इंटू एन कैंसिल आउट हो जाएगा, सो मेरा जो m इंटू nth जो टर्म रहा वो क्या रहा, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, यही हमसे पूछ रहा था, और ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट की बात होगी। अब सेकेंड पार्ट में देखिए हमसे पूछ रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट m इंटू nth टर्म, ठीक है, हमें सम भी निकालना है, और वी नो दैट एपी का हमारा जो सम का जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स, और ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म। सो हमें बट यहाँ पे चाहिए हमें m इंटू एन का जो सम चाहिए हमें। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू, हमारा n क्या हो जाएगा, m इंटू एन अपॉन टू, और टू a की वैल्यू हमारी कितनी है, दैट इज 1 अपॉन mn जो हमारा फर्स्ट टर्म है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा m इंटू एन माइनस 1, एंड d हमारा कितना रहा, ये 1 अपॉन mn। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सब निकालेंगे हम, ये हो जाएगा m इंटू एन अपॉन टू, और अगर आप ध्यान दें तो 1 अपॉन mn मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ दोनों से, सो 1 अपॉन mn मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर मुझे मिलता है 2 प्लस m इंटू एन माइनस 1, m इंटू एन और ये m इंटू एन कैंसिल आउट, और 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, सो इट विल बी 1 अपॉन 2 mn प्लस 1। ठीक है, सो ये मेरा सम आ जाएगा m इंटू एनएस टर्म का, सो फाइनली हम लिख लेते हैं, और यही हमारा क्या था, रिक्वायर्ड था, हेंस वी कैन से दैट जो हमारा m इंटू एनएथ जो टर्म रहा इक्वल टू ये कितना आ रहा है, 1 के, एंड सम ऑफ सेकेंड पार्ट में फर्स्ट m इंटू एन nth टर्म विल बी इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन 2 mn प्लस 1। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।